गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गलीनाल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आर क्यू कार्ड टॉपिक नंबर 6 फ्रॉम ए टू ग सीरीज। हमारे क्यू कार्ड का टॉपिक है आज का डिस्क्राइब एन एडवेंचर यू वुड लाइक टू गो ऑन। एडवेंचर का मतलब होता है कोई थ्रिलिंग एक्टिविटी, मतलब खतरनाक एक्टिविटी जिस पर आप जाना चाहते हो। तो पहले बुलेट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे। विद होम डू यू वॉन्ट टू गो, आप किसके साथ इस एक्टिविटी को करना चाहते हो या किसके साथ इस एडवेंचर पर जाना चाहते हो। व्हेन डू यू वांट टू गो, कब आप इस एडवेंचर पर जाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या चीज़ इस एडवेंचर पर जाकर करना चाहते हो। सो पहले हम हमारा क्यों का डिस्कस करते हैं। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एडवेंचर टू एड इन माई लाइफ, कि मैं हमेशा ही ढूंढती रहती हूँ मैं कि कोई ना कोई एडवेंचर जो है मैं करती रहूँ अपनी ज़िंदगी में। सो देर इज़ समथिंग एक्सिलरेटिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। ये मतलब बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, मतलब एग्जैग्रेटिंग हो गया, यूनिक सी चीज़ है, अलग अलग जगहों को डेस्टिनेशंस को मतलब एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। आई लव ट्रैवलिंग एंड स्पेशली आई वॉन्ट टू गो ऑन एडवेंचर्स लाइक बंजी जंपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड अंडर वाटर डाइविंग। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और मुझे एडवेंचर्स पर जाना बहुत पसंद है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि बंजी जंपिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, अंडर वाटर डाइविंग हो गया। ये सारी जो हैं वाटर स्पोर्ट और एडवेंचरस थिंग्स हैं जो कि लोग एडवेंचर के तौर पर करते हैं। आई नेवर ट्राइड एनी ऑफ दिस, मैंने इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया है या कोई भी ट्राई नहीं किया है। फर्स्टली आई वॉन्ट टू ट्राई स्कूबा डाइविंग, सबसे पहले मैं स्कूबा डाइविंग को ट्राई करना चाहती हूँ। एज अ लाइफ अंडर वाटर हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी एंड इट वुड ग्रांट मी द अपॉर्चुनिटी टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ मरीन लाइफ। कि स्कूबा डाइविंग करने से मैं क्या कर सकती हूँ कि अंडर वाटर जो लाइफ है उसको जान सकती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे आकर्षित करती है। फैसिनेट करना हो गया, अपनी तरफ आकर्षित करना। एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है ये चीज़ करने की, तो इससे मुझे क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब एक मौका मिलेगा कि मैं नीचे जाकर फ्लोरा एंड फ्यूना हो गया, नीचे की लाइफ जो मरीन लाइफ है, समुंदर की लाइफ है, उसको जान सकती हूँ पास से। As I had seen in some documentaries about this sport, मैंने काफ़ी documentaries होगी जो छोटी छोटी movies बनती हैं, मतलब related किसी चीज़ किसी specific topic के related, जैसे wild life हो गया, किसी चीज़ पर हो गया, उसको documentaries कहा जाता है। छोटी films होगी, कोई informative films, उसको documentary कहा जाता है, कि मैं उसमें मैंने इस sport के बारे में देखा था। Scuba diving is a calm and serene sport in which the diver get away from the trouble of outer world. कि स्कूबा डाइविंग एक ऐसी स्पोर्ट है, एक जो अपने हमारे जो माइंड को काम कर देती है, यूनिक सी है। इसमें क्या करते हैं कि डाइवर जो हैं, जो गोताखोर होते हैं, डाइवर गोताखोरों को कहा जाता है, जो क्या करते हैं नीचे गोता लगाते हैं और पानी में जाते हैं, मतलब जो इससे क्या होता है जब वो नीचे जाते हैं तो आउटर वर्ल्ड मतलब बाहरली दुनिया का जो भी ट्रैवल वगैरह होता है, तैरने वगैरह वाली चीज़ों को कहा गया है, उससे फ्री हो जाते हैं। बाई एक्सपीरियंसिंग अ होल डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर वी कैन एन्जॉय द इनक्रेडिबल सी क्रिएचर्स एंड हियर द साउंड ऑफ बबल्स वाइल वी ब्रीथ इन द वाटर। कि ये जो बिल्कुल ही अलग चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम एक साथ, अब मतलब जिसके साथ भी हम जा रहे हैं उसके साथ हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो इनक्रेडिबल मतलब यूनिक सी क्रिएचर्स हैं उनको देख सकते हैं, और नीचे जाके जो हमारे सांस लेने से जो बबल्स बनते हैं वाटर में ब्रीथ करने से, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू विजिट गोवा, कि मैं गोवा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वेयर आई कैन ट्राई दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट, कि मैं गोवा जाने के बारे में जो सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्टिविटी को कर सकता हूँ, एक्सपर्ट मतलब जो इस चीज़ में अच्छे हैं, जहाँ इसकी गाइडेंस देते हैं, उनकी प्रेजेंस में, उसकी होद में। ठीक है, स्कूबा डाइविंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लेस कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट, ये कोई मतलब बहुत ही डिफरेंट या फिर कह दें मतलब कि आसान सी है, कोई मुश्किल स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, इट इज़ सेड दैट इट एलिमिनेट स्ट्रेस एज अंडर वाटर देयर इज़ जीरो ग्रेविटी, कहा जाता है कि इसको करने से जो हमारा स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अंडर वाटर क्या है, जीरो ग्रेविटी होती है। स्कूबा डाइविंग इज लाइक फ्लाइंग अंडर वाटर एंड बींग विल्डनेस, स्कूबा डाइविंग एक ऐसी चीज़ है कि अंडर वाटर हम क्या करते हैं, फ्लाई की तरह, उड़ने की तरह महसूस कर सकते हैं कि हम उड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे कि हमें ऐसे लगता है नीचे जाकर कि हमारे में वजन ही नहीं है। वी शुड हैव टू डू दिस एक्टिविटी वंस अ टाइम इन आर लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनर्स, कि हमें ये चीज़ हमें एक बार तो ज़िंदगी में करनी ही चाहिए, कि प्रोफेशनल्स की
निगाह में जहाँ प्रोफेशनल जब होते हैं हमारे पास, उनके साथ ही करनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स सम पीपल हैव एक्वाफोबिया, कि कई बार होता है कि लोगों को ये बीमारी होती है एक्वाफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मरीन लाइफ क्रिएचर और वाटर, कि जिन लोगों को मरीन लाइफ नीचे के जो पानी के एनिमल्स हो गए उनसे डर लगता होता है, उनका फियर होता है, जब वाटर का फियर होता है कई लोगों को, उनको ये बीमारी होती है, उसका नाम होता है एक्वाफोबिया। सो इट माइट बी डेंजरस फॉर देम, सो उनके लिए ये जो चीज़ है, ये स्पोर्ट है, वो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। ऑल्सो दिस इज़ एक्सपेंसिव एक्टिविटी विच वी कैन डू रेगुलरली, एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है जो हम मतलब रेगुलरली नहीं कर सकते। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 5,000 to 6,000, मेरे अकॉर्डिंग तो ये मतलब 5,000 to 6,000 तक कॉस्ट करेगी, कि इतना खर्चा तो आ जाता है। आई हेयर्ड अबाउट दैट फ्रॉम माई वन ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज ही डिड दैट एक्टिविटी वेन ही विजिटेड टू द गोवा। ये चीज़ मैंने अपने एक फ्रेंड से सुनी थी कि इसकी कॉस्ट इतनी है, क्योंकि उसने ये एक्टिविटी की थी जब वो गोवा गया था। एंड ही इज़ द पर्सन हु सजेस्टेड मी टू ट्राई दिस, और वही पर्सन है जिसने मुझे कहा था कि तू भी ये ट्राई कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लोर द फूड एंड कल्चर ऑफ द गोवा। इसको छोड़ के मैं वहाँ का कल्चर, जो गोवा जाऊँगा जब मैं, वहाँ का कल्चर जो हो गया, फूड हो गया, वो भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टोरी को ख़त्म करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द एडवेंचरस थिंग, ये एक मतलब वो चीज़ है, खतरनाक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, विच आई लव टू ट्राई इन द फ्यूचर एंड वॉन्ट टू गेट द इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, और एक अच्छा या फिर यूनिक सा एक्सपीरियंस है वो गेट करना चाहता हूँ, विच आई गेट आफ्टर डूइंग इट, जो मैं इसको करने के बाद ले सकता हूँ, जो मुझे मिल जाएगा। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लिख द हिट द लाइक ऑन द वीडियो, सो ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।